हाय गाइस, मैं हूं आपके साथ कबीर। मेरे साथ आप देख रहे हैं इंडिया नाउ। न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच खेले गए चौथे वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने इंडिया को 8 विकेट से हरा दिया है। आपको बता दें कि इंडियन क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 92 रन बनाए और लचर प्रदर्शन कर दिखाया। कहीं ना कहीं टीम इंडिया 50 ओवर भी पिच पर नहीं टिक पाई। पूरी टीम 30.5 गेंदों में ही पूरी टीम 92 रनों पर ऑल आउट हो गई। रोहित शर्मा और शिखर धवन का जल्दी आउट हो जाना, उसके बाद पूरी टीम के ताश की पत्तों की तरफ बिखर जाना सबसे बड़ा सिरदर्द रहा। जी हां, आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने 7 तो शिखर धवन ने 13 रन बनाए और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू कर रहे शुभमन गिल भी कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, मात्र 9 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आपको बता दें कि अंबाट्टी रायडू और दिनेश कार्तिक भी कुछ कर नहीं पाए, मात्र 0-0 रन बनाकर दोनों बल्लेबाज आउट हो गए। हार्दिक पांड्या ने 16 रन बनाए तो केदार यादव ने 1 रन बनाया। इस तरीके से पूरी टीम इंडिया 92 रनों पर ऑल आउट हो गई। कहीं ना कहीं इस मैच के हीरो रहे ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने 5 विकेट लिए और टीम इंडिया को बैकफुट पर खड़ा कर दिया। रनों का पीछा करते हुए आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने 15 ओवर में ही यह मैच जीत लिया और इस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए रॉस टेलर ने। कहीं ना कहीं विराट कोहली और एमएस धोनी की टीम इंडिया को एक बार फिर से कमी खली है। सबसे बड़ी बात मुझे तो यह लग रहा है कि विदाउट एमएस धोनी और विराट कोहली के टीम इंडिया कोई मैच नहीं जीत सकती। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्योंकि 5वें वनडे मैच में भी एमएस धोनी और विराट कोहली खेलने नहीं वाले हैं और टीम इंडिया क्या 5वां वनडे मैच जीत पाएगी या नहीं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या विदाउट धोनी और विराट कोहली के क्या टीम इंडिया मैच जीत सकती है या नहीं।